आइए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज को। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दे। यूपी में निशुल्क राशन, अप्रैल महीने का कोटा आवंटित, जानिए कब से मिलेगा मुफ्त गेहूं और चावल। यूपी के हाथरस में निकाय चुनाव समाप्ति तक धारा 144 रहेगी लागू, पोलिंग बूथ के 100 मीटर तक नहीं लगेंगे बैनर। निकाय चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के ऐलान की तारीख तय, प्रयागराज में मंत्री नंदी की पत्नी ने लिया पर्चा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को धमकी देने वाला गिरफ्तार, आश्रम में ही करता था भोजन, बताया क्यों रची साजिश। यूपी निकाय चुनाव में बगैर दस्तावेजों के 2 लाख से अधिक कैश मिला तो कार्रवाई, निर्वाचन आयोग की सख्ती। कानपुर चिड़ियाघर में दोस्त तारीफ को देख तड़प उठा सारस, बाड़े में चोच मारकर जताया दर्द। यूपी के गोंडा से गुजरने वाली 10 ट्रेनें 45 दिनों के लिए रद्द, कई के बदले रूट से चलेगी। यूपी में अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर LDA कसेगा शिकंजा, 1 मई से लागू होगी ई कोर्ट। अतीक उसके बेटे अली समेत 13 पर एक और FIR दर्ज, रंगदारी मांगने और अमले का आरोप। 7 घंटे में पहुंचेंगे अमरनाथ गुफा, 5300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से आसान होगी यात्रियों की यात्रा। यूपी निकाय चुनाव में बसपा और आप ने शुरू की प्रत्याशियों की घोषणा, मेरठ और सहारनपुर से मेयर के नामों का हुआ ऐलान। UPI पेमेंट को तुरंत EMI में बदलने की मिलेगी सुविधा, इस बैंक का बड़ा तोहफा। RBI के फैसले का असर, इस बैंक ने लिया बड़ा फैसला, अब कम होगी EMI। इस साल आटे का दाम नहीं बढ़ेगा, पिछले साल से भी ज्यादा हो रहा है गेहूं का उत्पादन। CCTV से लैस होंगे सभी थाने, तत्काल करें कार्रवाई। UPI 112 और 1090 सेवाओं की हुई समीक्षा, CM योगी बोले रिस्पांस टाइम और करें बेहतर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी निकाय चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मंडी भाव सरसों सोयाबीन बिनौला में गिरावट, आयातित तेलों की भरमार पर कम है खरीदार। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वित्त विभाग का बड़ा फैसला, DA वृद्धि के आदेश में संशोधन मिलेगा, एरियर लाभ खाते में मई में आएगी राशि। जयंत चौधरी ने मांगा हैंड पंप, चुनाव आयोग से कहा किसी और को ना दे सिंबल, 1 दिन पहले छीना था क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा। राम भद्राचार्य का बड़ा ऐलान, हिंदू बेटियां कटार चलाने का करें अभ्यास, जो गलत नजर से देखे उसकी आंख निकाल लो, फिर जो होगा मैं देख लूंगा। इसरो में 12वीं पास के लिए निकली नौकरी, कृषि विभाग में ग्रेजुएट के लिए 1041 वैकेंसी, सैलरी 30,000 रूपए मिलेगी। हरदोई में रेडियो जागो 90.4 FM शुरू, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने किया वर्चुअली शुभारंभ, बोली लोगों को मिलेगी लाभकारी योजनाएं। लखनऊ में स्ट्रेचर पर मरीज लेकर पहुंचे डिप्टी CM, UP के 75 जिलों में कोरोना की मॉक ड्रिल, प्रदेश में 402 नए केस, 1 लोग चल बसे। UP बोर्ड रिजल्ट का इंतजार हुआ खत्म, अप्रैल के इस हफ्ते में आएगा 10वीं और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। चलिए बड़ी खबरों को जानते हैं विस्तार से, उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। निःशुल्क राशन पर बड़ा फैसला, अप्रैल महीने का कोटा आवंटित, जानिए कब से मिलेगा मुफ्त गेहूं और चावल। जी हां, सरकार की तरफ से हर महीने मिलने वाले निःशुल्क गेहूं और चावल का इंतजार आज खत्म हो गया है। कोटेदारों को अप्रैल महीने का गेहूं चावल का आवंटन हो गया है। 13 अप्रैल यानी शुक्रवार से इसका वितरण राशन की दुकानों से किया जाएगा। 24 अप्रैल तक राशन की दुकानों से निःशुल्क गेहूँ चावल लिया जा सकता है। यूपी के हाथरस में निकाय चुनाव समाप्ति तक धारा 144 रहेगी लागू, पोलिंग बूथ के 100 मीटर तक नहीं लगेंगे बैनर। जी हां, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 एवं आगामी त्योहार ईद उल फितर बुद्ध पूर्णिमा के दृष्टिगत हाथरस में धारा 144 लगा दी गई है। DM अर्चना वर्मा ने कहा कि 10 अप्रैल से हाथरस में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही DM ने कहा किसी भी राजनीतिक दल 48 घंटे पूर्व तक और मतदान दिवस के लिए वाहनों के उपयोग हेतु पृथक से अनुमति दी जाएगी, वाहनों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को धमकी देने वाला गिरफ्तार, आश्रम में ही करता था भोजन, बताया क्यों रची साजिश। जी हां, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को पत्र भेज धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने CCTV फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आज तड़के 100 फुट रोड से गिरफ्तार किया है। आरोपी बल्लभगढ़ हरियाणा का रहने वाला है, उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी सामने आई है कि पकड़े गए आरोपी सुरेश कुमार ने कहा है कि उसके बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, इस पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया था, लोग तकादा करने लगे थे, इस कारण घर में कहासुनी हो गई। कर्ज से परेशान होकर वह करीब 1 माह पहले वृंदावन चला आया। इसको यह प्लान सुझा और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को धमकी दी।
यूपी निकाय चुनाव में बगैर दस्तावेजों के 2 लाख से अधिक कैश मिला तो होगी कार्रवाई, निर्वाचन आयोग की सख्ती। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव में धन बल के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी पुलिस कमिश्नरों, जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 2 लाख रुपए से अधिक बगैर पुख्ता दस्तावेज के पाए जाने पर उक्त राशि जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर LDA कसेगा शिकंजा, 1 मई से लागू होगी ई कोर्ट। जी हां, अवैध निर्माण प्लॉटिंग पर शिकंजा कसने के लिए अब LDA के विहित न्यायालयों में दर्ज अवैध निर्माण के मुकदमों की सुनवाई ई कोर्ट के माध्यम से होगी। LDA उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ई कोर्ट व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 1 मई की तारीख निर्धारित की है। वहीं उपाध्यक्ष ने परिवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश भी दिए हैं। वहीं परिवर्तन जोन में दर्ज अवैध निर्माण प्लॉटिंग के वादों को 30 अप्रैल तक परिवर्तन सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। इस कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित पेशकर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब 7 घंटे में पहुंचेंगे अमरनाथ गुफा, 5300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से आसान होगी यात्रा। दरअसल अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 5300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। इसमें 110 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को खन्ना बल से चंदनवारी तक 4 लेन की सड़क में बदलना और हिमालय के बीच बसे गुफा मंदिर तक चढ़ाई वाली पटरियों और सुरंग का निर्माण करना शामिल है। यूपी निकाय चुनाव बसपा और आप ने भी शुरू की प्रत्याशियों की घोषणा, मेरठ और सहारनपुर से मेयर के नामों का ऐलान। जी हां, नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो गई है। आज आम आदमी पार्टी ने ऋचा सिंह को मेरठ से मेयर प्रत्याशी घोषित किया। वहीं बसपा ने सहारनपुर से पूर्व मंत्री रशीद मसूद की पुत्रवधू खदीजा मसूद को बसपा प्रत्याशी घोषित किया है। पहले चरण के मतदान को लेकर सहारनपुर मंडल के 3 जिलों और बिजनौर जिले में पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ। वहीं मेरठ में आपके राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने पार्टी की बैठक के बीच ऋचा सिंह को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। अभी UPI पेमेंट को तुरंत EMI में बदलने की मिलेगी सुविधा, इस बैंक का बड़ा तोहफा। जी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI से किसी दुकानदार या मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर की ICICI बैंक ने एक ऐसी सुविधा शुरू की है जिसके तहत आप QR कोड को स्कैन करने के लिए UPI को EMI में कन्वर्ट करा सकेंगे। यह पहली बार है जब किसी बैंक ने UPI पेमेंट को EMI में बदलने की सुविधा देने की बात कही है। CCTV से लैस हो सभी थाने, तत्काल करे कार्रवाई। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की आपातकाल सेवा UP 112 और महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की 1090 सेवा के साथ तकनीकी सेवाओं के कार्यों की आज समीक्षा की। उन्होंने आकस्मिक हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त होने वाली हर सूचना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आपातकालीन सेवाओं में क्विक रिस्पांस जरूरी है, इसके लिए 112 का रिस्पांस और बेहतर करें। साथ ही प्रदेश के सभी थानों को CCTV से लैस करें और हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करें। निकाय चुनाव के मद्देनजर अब UP के लखनऊ में भी धारा 144 लागू उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। जी हां, निकाय चुनाव और अन्य त्योहारों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं JCP लोकेंद्र कुमार अग्रवाल के अनुसार आगामी निकाय चुनाव भीमराव अंबेडकर जयंती, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती और बड़े मंगल को देखते हुए 10 अप्रैल से धारा 144 लागू की गई है तो 15 मई तक लागू रहेगी। इस दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का सभी को पालन करना होगा। राम भद्राचार्य बोले, हिंदू बेटियां कटार चलाने का करें अभ्यास, जो गलत नजर से देखे उसकी आंख निकाल लो। जी हां, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने लव जिहाद पर बयान दिया। आगरा में राम कथा सुनाने के दौरान उन्होंने कहा, लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को विधर्मी फंसा रहे हैं। बहनों, जो तुम्हारी और गलत दृष्टि से देखे उसकी आंख निकाल लो, फिर जो मुकदमा होगा मैं देख लूंगा। उन्होंने आगे कहा, हिंदू लड़कियां अपनी इज्जत स्वयं बचाएं, हाथ में कड़ा पहनने के साथ साथ कटार चलाने का अभ्यास करो और बन जाओ लक्ष्मी बाई।
लखनऊ में स्ट्रेचर पर मरीज लेकर पहुंचे डिप्टी सीएम। यूपी के 75 जिलों में कोरोना की मॉक ड्रिल। जी हां, यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसे देखते हुए प्रदेश के 75 जिलों में आज साल की पहली मॉक ड्रिल हुई। आज सुबह लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस आकर रुकी। पीपी किट पहने वार्ड बॉय मरीज को एम्बुलेंस से उतार कर स्ट्रेचर पर लिटाते हुए खुद डिप्टी सीएम मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर चलते हैं। वहीं आज बता दें कि सुबह आई रिपोर्ट के अनुसार 402 नए मरीज मिले हैं। वहीं अम्बेडकर नगर में कोरोना मरीज चल बसा है। खत्म हुआ यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार, 10वीं और इंटरमीडिएट। जी हां, यूपी बोर्ड की ओर से बोर्ड एग्जाम के नतीजे जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। इस साल बोर्ड एग्जाम में 54 लाख छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिन्हें परीक्षा रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो अब खत्म होने वाला है। बोर्ड ने कहा है कि अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके घंटे के निशान को दबा लें।